ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आदरणीय बंधुओं, आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती है और इस अवसर पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की श्रीमती प्रियंका गांधी जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। यह मेरी भी इच्छा है, यह देश के कार्यकर्ताओं की इच्छा है। कार्यकर्ता चाहता है कि उनका अध्यक्ष उनके बीच रहे, उनके साथ खड़ा होकर संघर्ष करे और पार्टी की रीतियों और नीतियों का प्रचार करे, जो ये संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता ये चाहता है कि एक डायनेमिक करेक्टर हमारे दल का अध्यक्ष बने और वो हम सबका नेतृत्व भी करे। मैं अध्यक्ष जी से ये कहना चाहता हूं कि आपको ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर हुई है। मेरा मानना है कि कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है तब तब ये देश कमजोर हुआ है। आज देश में चारों तरफ हाहाकार मचा है, भुखमरी है, अपराध बढ़ रहा है, सारे विकास ठप्प हैं, परंतु हम सत्ताधारी दल सिर्फ अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। और मैं भातप्रभ हूं कि इन परिस्थितियों में भी देश की जनता मतदान पे मतदान किए जा रही है और उन्हें प्रदेश पे प्रदेश दिए जा रही है। इसका कारण तलाशने की जरूरत है। जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं समझता हूं, यह हाल कांग्रेस की कमजोरी के कारण है, क्योंकि देश में भाजपा का कोई विकल्प नहीं नजर आता है। इसलिए हम मांग करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो प्रियंका गांधी जी को हिंदुस्तान में स्थापित करें, जो हम सबका नेतृत्व कर सकें, हमको संगठित कर सकें, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकें। जय हिंद, जय। आप हमको ये नहीं कह सकते हो कि हम इस्लाम स्वीकार करें, हम मस्जिद चले जाएं। आप ये हमको नहीं कह सकते हो कि हम गुरुद्वारे जाएं। हमारी आस्था है, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो हमारी नेता है। देखिए, दोनों है। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं, इस कांग्रेस में सैकड़ों लोग आए और चले गए, लेकिन अकेला वो परिवार है जिसने इस देश के लोकतंत्र की मूल भावना के साथ आज तक कभी पद भ्रमित नहीं हुआ है। वो परिवार बहुत सारे लोग आए होंगे कांग्रेस में, बड़े बड़े पदों पर रहे होंगे, आज भी बहुत लोग भाषण कर रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास देख लीजिए कि वो कहां से आए हैं और कब कहां चले जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन देश की जो मूल भावना है, धर्मनिरपेक्षता और सोशलिज्म, इस पर कोई कायम नहीं रहता है। हर आदमी एक टाइम आता है कि जाति की बात करने लगता है, धर्म की बात करने लगता है। मैं ये वार्ता मैं स्वर्गीय इंदिरा जी को की जयंती है उस पर उनको नमन करने के लिए और आज इस पावन अवसर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये मांग करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को बनाया जाए। ये पूरे देश के कार्यकर्ताओं की आवाज है। पूरी दुनिया में दो अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं, साम करती थी, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। ये कांग्रेस ने ही इस देश में एक नया प्रयोग किया और समाजवाद का एक नारा दिया। आज वो धूल धूसरित होता नजर आ रहा है। स्वर्गीय सीताराम केसरी जी के भी हाथ में रहा, गांधी परिवार से नहीं थे। ऐसा क्या कारण है कि पूरा देश गांधी परिवार को, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी की एक वो रहता है
पूरा देश सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को आशा की निगाह से देखता है। जो हमारी दो बड़ी चीजें हैं कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, इससे जब कोई अलग होता है कांग्रेस से अलग हो जाता है। और ये एक बड़ा काम है, बड़े भाई की हैसियत में इस देश में हिंदू जरूर हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रमाण है इस बात का। जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी होती दिखाई दे रही है। वोट में कितना बदलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जगह जगह कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई देने लगा। ठीक है ना, ठीक ठीक है। देखिए, हमने कहा ना कि मतदान एक अलग चीज है। पहले हमको सुनने, हम लोग तो 91 से देख रहे हैं, धीरे धीरे 30-35 साल से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि हम लोगों को कोई सुनना पसंद नहीं करता था। आज जब सुनेगा तब हमारे साथ आएगा, जब हमको जानेगा तब हमारे साथ आएगा। जब तक आप हमको सुनेंगे नहीं, हमको जानेंगे कैसे? और जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जोड़ने का काम प्रियंका जी कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं। राहुल जी ने मना कर दिया है, अभी हमारे नेतृत्व का हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम तो अभी अपने अध्यक्ष पद के लिए बात कर रहे हैं कि हमको एक डायनेमिक पार्टी अध्यक्ष चाहिए। नेतृत्व तो डिसाइड करता है सदन ना, कि नेता पार्लियामेंट में कौन होगा, नेता विधानसभा में कौन होगा, तो संसद और विधायक डिसाइड करते हैं। ये जब वक्त आएगा तो देखेंगे। और निर्विवाद रूप से राहुल गांधी हम लोगों के नेता हैं, लेकिन आज पार्टी चलाने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए। राहुल जी अगर कुर्सी पे बैठ नहीं रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कोई विकल्प तो खोजना पड़ेगा ना। उसी विकल्प का ये है कि अगर प्रियंका जी को नेतृत्व मिल जाता है तो देश भर में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। ये हम, ये हमारी औकात की सोच नहीं है ना, हम इस पर सोच सकते हैं। हम तो ये सोच सकते हैं कि हमको कौन गली गली कूचे कूचे कौन घुमाएगा। आपको याद होगा कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उनके घर जा करके धरना तक दिया था उन्होंने कि आप अध्यक्ष पद का त्याग मत करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कर दिया तो कर दिया। और आप जानिए कि उन्हीं लोगों का मादा है कि जो पद को ठुकरा देते हैं, वो मादा ही है। नहीं नहीं, अब देखिए आप ना, देखिए ऐसा नहीं है। तभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ, जो जिले वाइज हमारे बड़े नेता जो जौनपुर की पहचान बस आला कमान में बनते, ठीक, कोई बुरी बात नहीं पार्टी ने, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अपने जनपद में जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पा रहे, जिसके कारण हम बराबर कमजोर होते जा रहे। अगर उन नेताओं को पर जिम्मेदारी दी जाए, उनकी जवाबदेही तय कर दी जाए कि अगर आपके जनपद में कांग्रेस कमजोर हुई तो सवाल आपसे होगा। देखिए, हम तो पंजा है ही है ना, हमने एक बात जानना है कि जो हमारे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, और पंजाब बना ही है कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यानी सुहाई और इन तक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तब तो हम कम्युनिस्ट हो जाएंगे। हम तो पंजा है, हम नीचे से जुड़े हुए हैं। देखिए, बड़ी संशय की स्थिति है, उस संशय की स्थिति से कांग्रेस को ये मात्र निकालने का प्रयास है कि आज कौन हमारे दल में नेता है, ये बड़ा प्रश्न। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रश्न दे देती है, इसके वजह से और सभी खराब होती जाती है? देखिए, अगर नेतृत्व नहीं है तो नियंत्रण नहीं है, नेतृत्व होगा नियंत्रण होगा। आज भाजपा में किसी की औकात है जो भारतीय जो भाजपा का जो एजेंडा है उससे अलग हट के बोले? लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जगह मन में आवाज है जो उन्हें बोल देते हैं, इसलिए कि कौन किससे
पता, कुछ लोग राहुल जी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सोनिया गांधी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं, तो वो बोल जाते हैं तो उनका कुछ होता भी नहीं। वही नियंत्रण का अभाव है, नियंत्रण है ही नहीं किसी पर। हर आदमी अपने को राहुल गांधी से सुपीरियर मानने लगा है, हर आदमी। हर आदमी जब नेता से ही सुपीरियर अपने को मानने लगेगा तो स्थिति बिगड़ेगी। इसीलिए मैं आज यहां कर रहा हूं, फिर अगले हफ्ते लखनऊ करूंगा, फिर देहरादून करूंगा, फिर दिल्ली करूंगा। बात तो उठाऊंगा ही, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत भारी नेता हूं, मैं तो नेता नहीं हूं, मैं तो वर्कर हूं कांग्रेस का। लेकिन मैं बात तो जो आज कोई नहीं कह रहा है, सीधी बात है। देखिए ये ऑफ रिकॉर्ड, इसको माने हमारा वक्तव्य न माना जाए, ये अगर आज की तारीख में उस गांधी नेहरू परिवार से अलग हटके आप किसी को बना भी दे तो चला नहीं पाएगा। स्वीकारोक्ति देश भर में नहीं, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। हाँ, वो भी खत्म हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी। परिवार से हटकर जो बोलेगा लगेगा कि कांग्रेस में है ही नहीं। सोनिया जी पर राजनीति में आना ही नहीं, क्या था सच्चाई तो ये है भाई। सोनिया जी को तो जबरदस्ती कांग्रेसियों ने, नहीं नहीं, जब सीताराम केसरी जी के समय में एकदम कांग्रेस खत्म होने की कगार पे आ गई, वजूद समाप्त हो जाएगा, तब सोनिया जी ने उसको संभाला। अरे बात, आज कांग्रेस दिखाई दे रही है। वो दोनों नेता है नहीं, नारायण दत्त जी और अर्जुन सिंह जी, दोनों लोग जाके ले आए सोनिया जी को। अध्यक्ष भी रहे हमारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, वो वैक्यूम था जी। अच्छा, बिहार में जो अभी चुनाव हुआ है, इसमें लग रहा था लोगों को कि कांग्रेस का जो टकराव बढ़ेगा, जैसे राजनीति का पता, तो वहां कांग्रेस जो है इतनी कमजोर कैसे होगी, जो मैंने जन सामान्य भी नहीं सोचा था ऐसा राजनीतिक लोगों से। देखिए, जो आकलन आपके पास आ रहे थे वो आप लोगों के माध्यम से ही आ रहे थे, और आपके पास हम लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती का जो मतदाता है वो आपसे नहीं संपर्क कर पाता है, उसके भाव आप नहीं जान पाते हो, वैसे आप नीतीश कुमार के समर्थकों का भाव नहीं जान पाए। ये मीडिया कह रही थी ना कि वहां परिवर्तन है, लेकिन अगर बिहार की जनता कहती तो परिवर्तन हो गया होता। बिहार की जनता तो कही नहीं रही थी, वो तो बहुत सारे लोगों को मीडिया ने डाइवर्ट इधर उधर घुमा दिया। देखिए, उस तो परिस्थितियां है, वो तो होंगी ही, लेकिन जो जनाधार नीतीश जी का आज भी है बिहार में, उसका कोई अभी विकल्प नहीं बन पाया है। अब देखिए क्या है, ये बहुत समझ की चीज है, समझने की चीज है कि अब अगर फैसल हसन तबरेज बीच वाली कुर्सी बैठे रहेंगे तो हमारे नगर अध्यक्ष को बैठने में दिक्कत होगी होगी, वो सामने नहीं बैठ सकते। अब अगर ये यहाँ बैठ जाए तो कहाँ बैठेगा? आज अगर उसके पास पावर है, उसको बैठना है, तो हमको निश्चित रूप से कुर्सी खाली करनी होगी। ये समस्या राजेश सर, ये समस्या फैसल हार तबरेज के मामले क्यों है, राहुल और प्रियंका के मामले क्यों नहीं? फिर समाज को जरा समझने की कोशिश करिए। समाज को आप समझने की कोशिश करिए। आपको किसी भी जो सांप्रदायिकता जिसका हम लोग विरोध करते हैं, वो इसका एक बड़ा फैक्टर है। हमको स्वयं को भी किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को सर के ऊपर बैठाने में परहेज होगा। ये सांप्रदायिकता है, इसी को तो खत्म करने का हम 70 सालों से प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यही समझा जाएगा, कई बार उम्र की प्राथमिकता भी बदलती रहती है।
अब हम लोग तो पिछले 40 सालों के साथी हैं, हम आप तो 40 साल के साथी हैं ना, तो 40 सालों में एक उम्र आई हो भाई, नौजवानी थी, फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी, अगर हमारा कहीं प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो हमको वो जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी थी ना। अब अगर उसको करने में नाकाम रहते तो सामाजिक अवहेलना होती। अब मैं सर्वथा फ्री हूँ, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ, अब मैं कोई व्यापार नहीं देखता, कोई धंधा नहीं देखता, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपने दल को जो मैक्सिमम दे सकता हूँ देने की कोशिश करूंगा। अब ये दुर्भाग्य है कि 50 साल 60 साल का वेग चल रहा है, ऐसा है नहीं, लेकिन अब भाई समाज में लोग कहते हैं कि 50 साल के आदमी को हटा दिया गया, निकाल दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब है, हवा चलती रहती है। भाई अनुभव नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, वैचारिकता भी जो है ज्यादा मजबूत रहेगी। आप अगर गौर से पिछले 30 सालों का इतिहास का अध्ययन करिए, 89 में कांग्रेस यहां से गई है तो 31 साल हो गया। आप ये गिनती करके, आप मान व्यक्तिगत मत दीजिएगा इसको, जन साधारण ये बता नहीं सकता है कितने विधायक इस नगर से हुए, तो किसी का नाम भी याद है एक्सेप्ट कमला सिंह, मतलब गिनती के नाम होंगे, लेकिन उस 30 सालों में तो कायदे से 10 चुनाव 12 चुनाव हुए हैं, तो इतने चुनाव में इतने विधायक हुए होंगे लेकिन किसी नमूने नहीं याद है कि वो नेता ही नहीं बन पाए। विधायक बन गए, विधायक बन गए लेकिन नेता नहीं बन पाए। ये है JMD News & Network और आप देख रहे हैं ITV हिंदुस्तान।